हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतना किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं आपके लिए मटन करी की बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे मटन करी बनाएंगे आज हम, और जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मटन करी बनाना। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये मटन लिया है, लगभग 1 kg के करीब मटन लिया है। यहाँ पे मटन जब भी हम लें तो बिल्कुल फ्रेश मटन लेना है हमें। और इसी के साथ हम कुछ और भी मसाले लेते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन लिया है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने कट कर लिया है, 2 बड़े साइज़ के प्याज जिसको मैंने अच्छे से कट कर लिया है, और ये मैंने यहाँ पे कुछ खड़े मसाले में जैसे दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च, लौंग, यहाँ पे 3 हरी मिर्ची, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच नमक लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हो, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और 2 छोटी चम्मच हम यहाँ पे लेंगे धनिया पाउडर, और ये मैंने लहसुन लिया है, लहसुन की कलियाँ मैंने यहाँ पे लगभग 20 से 25 लहसुन की कलियाँ ली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुकर के अंदर ऑयल डालते हैं, सरसों का ऑयल। तो मैं यहाँ पर लगभग 200 ml के करीब सरसों का ऑयल डालूँगी। तो ये देखिए, लगभग 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है, और ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया है कि ऑयल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है, आप कुछ प्याज वगैरह डाल के चेक कर सकते हो। ऑयल गर्म होने के बाद में ही हमें इसके अंदर मसाले डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कुछ खड़े मसाले डाल दिए हैं। ये देखिए, खड़े मसालों में मैंने यहाँ पर सभी चीज़ें ली हैं, वैसे तो काली मिर्च, लौंग, जीरा, तेज़पत्ता, दालचीनी, और भी वैसे खड़े मसालों में बहुत सी चीज़ें आती हैं, अगर आपको पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हो। बट गर्मी का मौसम है तो अभी फ़िलहाल इतने ही मसाले काफ़ी हैं। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे बारीक कटे हुए प्याज डाल दिए हैं, और प्याज को भी हमें थोड़ा सा अच्छा सा फ्राई कर लेना, जब तक कि प्याज का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए तब तक हमें प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना है। और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर हाई कर सकते हैं ताकि फटाफट प्याज हमारे फ्राई हो जाएँ। और इसी के साथ मैं यहाँ पे टमाटर भी डाल देती हूँ साथ में ही, ताकि टमाटर है वो गल जाए अच्छे से। तो मैंने यहाँ पे लगभग 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मैंने कट कर लिया है, वो डाल देंगे, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्राई कर लेंगे ताकि ये गल जाए फटाफट। और अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ हरी मिर्ची। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर लगभग 4 से 5 हरी मिर्ची जिनको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये देखिए। और हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, कम या ज़्यादा, क्योंकि कई लोगों को ज़्यादा तीखा खाना पसंद है, कई को बिल्कुल ही कम खाते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये देखिए, प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। और अब हम क्या करते हैं, जो मटन लिया है वो वॉश करेंगे, धोना है हमें मटन को, धोना ज़रूरी है। मैं आपको हर वीडियो में बोलती हूँ कि मटन धोते हैं, लेकिन मुझे कई लोगों के कमेंट आते हैं कि मटन नहीं धोना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो धोना चाहिए, बट कई लोगों को नहीं पसंद है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मत धोइए, लेकिन बनाइए इस तरीके से, बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, मैंने मटन को लगभग यहाँ पे 3 से 4 बार अच्छे पानी में से वॉश कर लिया है, निकाल लिया है, मटन बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुका है, साफ़ हो चुका है, ये देखिए। और इधर हमारे जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची हैं वो भी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, टमाटर है वो गल भी चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे सभी चीज़ों को अच्छे से फ्राई करने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे मटन। तो ये हमारा मटन है जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है ये। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटन जो हमने वॉश करके रखा है, वो मटन डालेंगे। और ये देखिए, और गैस का फ्लेम हमें यहाँ पे कम ही रखना है, कम फ्लेम पर हमें मटन ऐड करना है कुकर के अंदर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैंने यहाँ पे पूरा मटन इसके अंदर ऐड कर दिया, और इसको अच्छे से चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे, और लगभग मटन को फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट तक मटन को फ्राई करेंगे, ताकि मटन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो सारा बाहर आ जाए। तो ये देखिए, चम्मच से हम इसको मिलाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम हम यहाँ पे मीडियम ही रखेंगे, हाई भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर पानी नहीं डाला है, तो चिपक भी सकता है अगर हम गैस का फ्लेम हाई करते हैं और चम्मच से नहीं हिलाते हैं तो। और अब हम इसके अंदर गैस का फ्लेम कम करके मसाले डाल देंगे सभी। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर डाल दी है, हल्दी पाउडर भी डाल दिया है, और अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और डाल देंगे नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं,
कम या ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने नमक डाल दिया है। अब हम सभी मसालों को अच्छे से मटन के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए मटन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये बिल्कुल आसान तरीका, फटाफट और बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता, सिर्फ 10 से 12 मिनट के अंदर मटन बन के रेडी हो जाता है अगर आप इस तरीके से बनाते हो तो। और बनता बहुत ज़्यादा टेस्टी है। कई लोग बोलते हैं मटन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन कई लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो इस तरीके से भी मटन बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा भी बनता है और टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा। तो ये देखिए मैंने सभी मसालों को मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और मटन भी हमारा बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख पा रहे होंगे इसका जो कलर है वो भी कितना सुंदर आया है। और मटन आप देख रहे हैं कितना पानी छोड़ दिया मटन ने, क्योंकि हमने तो इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं डाला, पानी नहीं डाला है, फिर भी अच्छा सा उबाल आ रहा है और मसाले हैं वो इसमें पक जाएंगे। इस पानी में काफ़ी है मसालों को पकाने के लिए ये पानी, लेकिन फिर भी मटन के अंदर ग्रेवी हो तो बात ही कुछ और होती है। तो हम ग्रेवी के लिए इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो हम अभी नहीं डालेंगे इसके अंदर पानी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया मटन ने अपना। और इधर मैंने क्या कर रखा है, दूसरा जो गैस है उसके ऊपर मैंने गर्म पानी रख रखा है, क्योंकि मैं मटन के अंदर डालूंगी गर्म पानी, क्योंकि हमारा जो मटन है वो लगभग 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पक चुका है, तो उसके बाद में हम इसके अंदर ठंडा पानी नहीं डालेंगे, इससे हमारे जो मटन है वो बेस्वाद हो जाएगा, टेस्टी नहीं बनेगा। तो हम इसके अंदर गर्म पानी उबाल आने के बाद में डालेंगे। लगभग मैंने यहाँ पे 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया ग्रेवी के लिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अगर इससे ज़्यादा पानी डालते हो तो मटन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। और अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप इसके अंदर पानी मत डालिए, बस सीटी लगवा लीजिए, ऐसे भी हमारा मटन है वो पक के रेडी हो जाएगा। बट मैंने यहाँ पे लगभग 300 ml के करीब पानी डाल दिया है और पानी को मसालों के साथ और मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए और मटन में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अभी भी, लेकिन अब हम क्या करते हैं सीटी लगवाते हैं। बिल्कुल परफेक्ट है इसकी ग्रेवी, इतनी ही ग्रेवी चाहिए हमें। तो कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और मैं यहाँ पे लगभग 3 से 4 सीटी लगवाती हूँ। 3 से 4 सीटी के बाद में हमारा जो मटन है वो परफेक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए सीटी हम लगवा देते हैं मटन के अंदर पूरी, और लास्ट सीटी में पूरी भाप निकलने देते हैं अपने आप ही, हमें खुद को नहीं निकालनी है, अपने आप निकलेगी तभी हमारे मटन का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन ओपन कर देती हूँ और देख लेते हैं हम मटन बना है या नहीं। अगर बना है तो ठीक है, नहीं बना तो आप चेक कर लीजिए, अगर नहीं बना तो 1-2 सीटी और लगवा लेते हैं, क्योंकि परफेक्ट नहीं है कि मटन बन ही जाएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लगभग 4 सीटी लगवाने के बाद में लहसुन का पेस्ट लास्ट में डाल रही हूँ, क्योंकि पुराने ज़माने में क्या है कई लोग है ना लहसुन का पेस्ट लास्ट में डालते थे और मटन वास्तव में बहुत टेस्टी बनता है। तो हमने भी ट्राई कर लिया और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बना ये मटन, लास्ट में लहसुन का जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आता है, बहुत टेस्टी मटन बनता है तो, और पक भी जाता है लहसुन बहुत ही जल्दी पक जाता है। तो मैं यहाँ पे कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे 1 सीटी और लगवाई है, 1 सीटी के अंदर है वो लहसुन भी अच्छे से मिक्स हो चुका है मटन के साथ और यकीन मानिए बहुत अच्छी खुशबू भी आती है इसके अंदर। अगर हम लास्ट में इसके अंदर डालते हैं लहसुन का पेस्ट, ये हमारा जो मटन है वो बन के रेडी हो चुका है, बिल्कुल अच्छे से घुल चुका है, ग्रेवी भी बिल्कुल अच्छी बनी है। और अब मैं इसको अलग बर्तन में निकाल देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मटन बना है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप चेक कर लीजिए मटन बना है या नहीं, अगर नहीं बना तो 1 सीटी और लगवा लीजिए, थोड़ा सा और पका लीजिए, क्योंकि जिस बच्चे का हम मटन लेते हैं उसके वेट पर डिपेंड होता है, अगर उसका वेट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से मटन कच्चा पक्का रहता है। तो ये देखिए हमारा मटन कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा, मतलब इसका जो कलर जितना अच्छा आया है खाने में यकीन मानिए बहुत उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है ये मटन। और आपने देखा ही होगा मटन बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी कोई भी झंझट नहीं है मटन बनाने में। कई लोगों को झंझट लगता है लेकिन मटन बनाने में कोई झंझट नहीं है, फटाफट बनने वाली रेसिपी है, आप कभी भी बना के खा सकते हो इसको। तो ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और उसके पास में आपके पास एक घंटी का सा निशान आएगा उसके ज़रूर दबाना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप तक एक मैसेज नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करना।
और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपने ट्राई किया तो आपकी भी मटन कैसे बना। तो ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।